रक्तचाप होता क्या है? ब्लड प्रेशर, ब्लड यानी रक्त। रक्त के बारे में जानने के लिए रक्त से परिचय वाला वीडियो देखो। पर प्रेशर मतलब क्या? बज गई ना कुकर की सीटी। कुकर की सीटी क्यों बजती है? ऐसा कुकर के अंदर मौजूद भाप द्वारा लगाए गए दबाव के कारण होता है। दबाव मतलब प्रेशर। हमारा दोस्त पौधों को पानी डाल रहा है, पर पानी में पर्याप्त प्रेशर नहीं है। ये प्रेशर कैसे बढ़ाया जाए? अरे, प्रेशर तो बढ़ गया। नल की टोटी पूरी खोली और पानी ज्यादा प्रेशर से आने लगा। पर रक्त और प्रेशर के बीच क्या संबंध है? हृदय लगातार धड़कता रहता है और रक्त को एक खास दबाव से पूरे शरीर में भेजता है। इसी दबाव को रक्त दाब या रक्त चाप कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर। और इसी के कारण पूरे शरीर में ऑक्सीजन और अन्य पोषक पदार्थ पहुंचाए जाते हैं। हृदय द्वारा रक्त पंप करने के कारण रक्त वाहिनियों की दीवारों पर दबाव पड़ता है। इसी दबाव से ब्लड प्रेशर नापा जाता है। रक्तचाप नापने के उपकरण को रक्तचाप मापी या स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। यह उपकरण काम कैसे करता है, ये समझने के लिए रक्तचाप की जांच कैसे की जाती है, ये वाला वीडियो देखो। ब्लड प्रेशर हृदय के सिकुड़ने और फैलने पर निर्भर करता है। जब हृदय सिकुड़ता है और रक्त वाहिनियों की दीवारों पर दबाव बढ़ जाता है, इसे प्रकुंचक या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बीच में होता है। हृदय के फैलते वक्त यह दबाव कम हो जाता है। इसे प्रसारक या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 से 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बीच होता है। हमारी रक्त वहनियां बहुत मजबूत और लचीली होती हैं, जिससे वो रक्त द्वारा लगाए जाने वाले दबाव को आसानी से सह लेती हैं। लेकिन अगर कुछ कारणों की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता रहे तो यह रक्त प्रवाह के कार्य को खतरे में डाल सकता है। रक्त का गाढ़ा होना, रक्त में द्रव या पानी की मात्रा बढ़ना व रक्त वाहिनियों का व्यास यानी चौड़ाई कम होना, इन सभी से खतरे पैदा होते हैं, क्योंकि ऐसा होने पर हृदय को ज्यादा बल लगाकर धड़कना पड़ता है और इसी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर यह स्थिति बनी रहती है तो इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। इस बढ़े हुए दबाव के कारण रक्त वाहिनियों के अंदरूनी हिस्से को क्षति भी पहुंच सकती है। इस क्षति के कारण सूजन हो जाती है और उस जगह पर सफेद रक्त कोशिकाएं जमा हो जाती हैं। रक्त में मौजूद वसा और कोलेस्ट्रॉल भी वहां पर एक परत बना देते हैं, जिससे रक्त वाहिनी का अंदरूनी व्यास कम हो जाता है। रक्त वाहिनी का अंदरूनी व्यास कम होने से क्या होता है, ये समझने के लिए चलो इस पाइप को देखते हैं। इस पाइप का मुंह इस तरह थोड़ा बंद कर दें तो पानी पहले जितना ही निकलता है, लेकिन उसका दबाव बढ़ जाता है और इसी तरह रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। अगर यह स्थिति बनी रहती है तो इससे रक्त प्रवाह प्रभावित होगा। रक्त प्रवाह रुक जाने से इन भागों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व कैसे मिलेंगे? ऑक्सीजन की कमी से ये भाग मरने लगेंगे। अगर हृदय को रक्त पहुंचाने वाली रक्त वाहिनियों को क्षति पहुंचती है या वो बंद हो जाती हैं, तो दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक हो सकता है। अगर यह दिमाग में होता है तो वहां भी दौरा यानी ब्रेन स्ट्रोक पड़ सकता है। क्या इसका कोई इलाज है? हाँ जी, बिल्कुल है। जिस हिस्से में रुकावट है उसे अंदर से चौड़ा कर दो। इसी ऑपरेशन को एंजियोप्लास्टी कहते हैं। कभी कभी क्षतिग्रस्त रक्त वाहिनी के अंदर एक खोखली ट्यूब, जिसे स्टेंट कहते हैं, फिट कर दिया जाता है। इससे रक्त प्रवाह दोबारा अच्छे से शुरू हो जाता है।
अगर तुम्हारा रक्तचाप ज्यादा है तो तुमको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। ज्यादा नमकीन खाने, मिठाई और तले हुए खाने से दूर रहना। गुस्से और चिंता पर नियंत्रण करना। ज्यादा तनाव से दूर रहना और समय समय पर अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहना। साथ ही ब्लड प्रेशर की नियमित जांच, कसरत और पर्याप्त नींद लेना। जरा सोचो, हृदय एक मिनट में 72 बार धड़कता है और रक्त पंप करता है। इसका मतलब है कि एक दिन में वह 3,00,000 बार और एक साल में 3.5 करोड़ बार धड़कता है। कल्पना करो कि हमारी बेचारी रक्त वाहिनियां कितना दबाव सहती हैं। मगर चिंता मत करो, हमारी रक्त वाहिनियां इस दबाव को आसानी से बर्दाश्त करके हमें स्वस्थ रखती हैं। और इसीलिए इन रक्त वाहिनियों की देखभाल करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है।